सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ का मैथ बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर आपको दिख रहा है तो समझ लो कि यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, कुछ इसी पैटर्न में मिलेगा, बस उसके क्वेश्चन अलग होंगे। तो जो टोटल मार्क्स का ये पेपर है वो कितना है, 80 का है, ठीक है, 80 मार्क्स का है। 3 घंटे में आपको करना है और इस पेपर को डिवाइड किया गया है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और ई में, ठीक है। इन सेक्शन में डिवाइड किया है तो हर सेक्शन में जो हर एक क्वेश्चन होगा, जैसे सेक्शन ए की बात करें तो हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है, और बी की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी तरीके से सारे सेक्शन में आपको नंबर मिलेंगे, ओके। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है ये कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल्स टू दिस एंड क्यू इक्वल्स टू दिस, ए कॉमा बी बीइंग प्राइम नंबर, देन एलसीएम पी क्यू इज। तो पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब कुछ देर के लिए ये जो आपको टिक दिख रहा है इसको भूल जाओ, बस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर पी दे दिया गया, क्यू दे दिया गया और हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी एलसीएम पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब एलसीएम निकालना हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमें यहाँ पर पी की कुछ वैल्यू दे दी गई, जैसे कि क्या दिया गया, ए इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्यू दे दिया गया जो कि हमारे पास ए क्यूब और यहाँ पर है हमारे पास बी है, ये है। अब कहा जा रहा है एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या ए दोनों में हाँ है। अब जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें पावर सबसे ज़्यादा होती ना उसको ले लेते हैं। तो इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, ए की पावर 3 वाली, और अगर इसी तरह बी वाले में बात करें तो पावर किसकी ज़्यादा है, बी वाली की, बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ गया, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो चेक करो कहाँ पर दिख रहा है, ये सी वाला है ना, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा सही, कितना सिंपल है। अब इसी तरह 2 वाले में आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। जब कभी भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल और एग्जैक्ट की बात आ जाए तो समझ लेना कि हमें कहीं ना कहीं एचसीएफ निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक, मतलब क्या सबसे ज़्यादा क्या स्पीड होगी जो मैन वॉक करेगा इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर को इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में, ठीक है। अब उसकी स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से अगर वो मैन चलता है तो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में वो कंप्लीट कर लेता है, ये हमको बताना है। तो सिंपल है, जब कभी भी इस तरह से ग्रेटेस्ट पॉसिबल कह दिया जाए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स या फिर कुछ और एग्जैक्ट लगा के कह दिया जाए तो हमेशा याद रखना कि हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर HCF। तो HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो यहाँ निकालते हैं, लिखा हमने 52 और यहाँ कर दिया हमने 2 से किया, तो 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से किया तो 2 1 2, 2 3 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, हो गया। अब इसी तरह 91 का निकालेंगे तो ये 7 से चला जाएगा, तो 7 1 7, 7 3 21, तो 13 से कर देंगे यहाँ पर 1। तो HCF कैसे निकालते हैं देखते हैं, किस में कॉमन है, मतलब दोनों चीज़, जैसे कि ये 13 दोनों में, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 13 क्या है, हाँ है, बिल्कुल है, सी सेक्शन में है, मतलब सी में, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 13 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चलेगा, तब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में इन दोनों को कंप्लीट कर लेगा, ठीक, कवर कर लेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब आते हैं इसी के 3 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, कह रहा है कि भैया जो 0 है ना वो 2 है इस पॉलीनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया गया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास 3x और प्लस यहाँ पर है k इक्वल्स टू, हमने कर दिया सॉरी पॉलीनो 0 दिया गया ना, तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, 0, तो यहाँ पर सॉरी 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ कर दिया प्लस k इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, 2 2 4, 3 2 6, प्लस यहाँ पर आ गया k इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 10, प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो k हमें क्या मिल गया, -10 यहाँ पर हमको मिल चुका है, तो -10 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन जो 4 है ये कह रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय रिप्रेजेंट 2 लाइन विच आर, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया, इक्वेशन दी गए, इन दोनों इक्वेशन से जो हमारी लाइन बनेंगी वो किस तरीके की होंगी, ठीक है, वो होंगी हमारे पास मान लो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर वो पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या फिर इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली 2 पॉइंट में, किस तरीके की वो दोनों लाइन होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 6,
ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 6x-3y, और यहाँ कर दिया हमने +10 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, यहाँ कर दिया हमने 2x-y +9 कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो अगर इनसे लाइन बनती है, ग्राफ में लाइन हम लोग बनाएंगे तो कैसी बनेंगे, पैरेलल बनेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट में, दो पॉइंट में, कैसी होंगी ये, कैसी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1 upon a2 चेक करेंगे, और यहाँ पर करेंगे b1 upon b2। ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने c1 upon c2 करेंगे, चेक करते हैं। चलो a1 क्या हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 किया, और a2 हमारे पास क्या 2 है, और b1 क्या हो जाएगा -3 और b2 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास c1 हो गया 10 और c2 हो गया हमारे पास 9। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, और इसे सॉल्व करेंगे 10/9। अब देखो ये क्या हमारे इक्वल है, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं है c1 upon c2 से। ये कब होता है, जब हमारी लाइन पैरेलल होती हैं। तो भाई साहब यहाँ पर हमारी लाइन कैसी बनने वाली है, पैरेलल बनने वाली है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 5 वाले में। तो यहाँ पर जो 5वां है ये क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट देन। अब कह रहा है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके क्या रियल और इक्वल रूट है। अब बात ये आती है कि रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, सोचो दिमाग में, तो रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, किस केस में रियल और इक्वल रूट हो जाते हैं, बताओ। देखो रियल और इक्वल रूट हमारे तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होता है, उस केस में ये होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जब 0 होता है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - क्या होता है 4ac होता है इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब यहाँ पर बात आती है b क्या है, a क्या है, c है। तो इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है x², तो x² हमारा a होगा, इसका कोफिशियंट 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है, और b हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और c हो जाएगा हमारे पास k। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, b की जगह में लिखेंगे 4² ठीक है, यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ पर 4 ओके, और यहाँ पर a हो जाएगा 1 इंटू कर दिया c है हमारे पास k इक्वल्स टू 0, 4 जाए यहाँ पर 16 -4k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 16 प्लस का इक्वल के सेट भेज देंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो k इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली है 4 मिली है, तो 4 कहाँ है यहाँ पर, c वाला हमारा 4 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 वाला है, इसने कहा हुआ है कि भैया ये बताओ द पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विच वर्टिसेस दिस एंड दिस इज। पैरीमीटर ऑफ हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ट्रायंगल। अब यहां पर चलो पहले फिगर बनाते हैं, फिर आगे समझते हैं इसे। तो ट्रायंगल का अगर हम लोग पैरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओके यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दी हमने ए, इसको बोल दिया बी, और इसको बोल दिया सी। इसमें हमें क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, तो हम वर्टिसेस लिख देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है 0,4, और अगर बी की बात करें तो ये हमारे पास है 0,0, अगर इसकी बात करें तो ये है 3,0 है। ठीक है, ये हमारे पास। अब क्वेश्चन ने कहा इसकी वर्टिसेस बताओ, सॉरी इसकी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताओ। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ये होता है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब सभी साइडों का सम, ये होता है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमें वर्टिसेस पता है मगर साइड नहीं पता है ना। देखो ये पता है, ये पता है, वर्टिसेस पता है मगर हमें साइड नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइड निकालना पड़ेगा। जब कभी भी हमें वर्टिसेस पता हो और साइड फाइंड करना हो तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं जिससे हमें साइड मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए बी की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ, ए बी इक्वल्स टू होगा रूट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी ओके यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब रूट में आ जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया। अब इसी तरह हम लोग ले लेते हैं किसको, हम लोग लेते हैं बी सी को, बी सी जो साइड है इसको लेते हैं। अब देखो बी सी में हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट, मतलब फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। देखो जो जो साइड चाहिए होगी ना उसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c माइनस 0, है ना,
ये हो गया हमारे पास सी माइनस ज़ीरो, ठीक है, और स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में प्लस, ज़ीरो माइनस ज़ीरो और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री, सॉरी हाँ नहीं, थ्री थ्री से नाइन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री। ये बी सी हो गया। अब ए सी की बात करें या फिर बोलो सी ए की बात करें, तो सी ए हो जाएगा हमारे पास क्या, ज़ीरो माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फोर माइनस ज़ीरो, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, और फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, और नाइन और सिक्सटीन कितना हो जाएगा, नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या होगा, फाइव होगा। तो यहाँ पर ए बी हमें मिल गया है फोर, गॉट इट, और बी सी मिल गया है थ्री, ओके, और सी ए मिल गया हमें फाइव। अब इन्हें हमें क्या निकालना है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ऐड कर दो इन सभी को, पाँच चार नौ, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर ट्वेल्व, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास ट्वेल्व, सिक्स का ट्वेल्व कहाँ है, ये है, कंप्लीट है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें दिया है ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर। अगर ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और ये हमारे पास कंडीशन है, तो ये क्या हमारी सिमिलर हो जाएगी, है ना, व्हेन देन दे विल बी सिमिलर, मतलब ये सिमिलर हो जाएगी, व्हेन, कब होगी, जब ये एंगल बराबर होगा इसके, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, ये इसके, ये इसके, तब होंगे। अब हमें बताना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तब ये हमारे पास ये दोनों सिमिलर होंगे। तो चलो बताते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, चलो लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ये है ए, ठीक है, बी है, ये है सी, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ओके, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी जो है ये है हमारे पास डी ई है, ठीक है, इक्वल्स टू बी सी जो है वो है हमारे पास एफ डी है, ये देखो कहाँ है, ए बी हमारे पास ये है, ओके, और डी ई हमारे पास क्या है, डी ई ये है, ये दोनों हो गए, और बी सी हमारे पास क्या है, ये हो गई, और एफ डी हमारे पास क्या है, एफ डी ये हो गई। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये दोनों हमारी सिमिलर हो जाएंगी, होंगी, कब होंगी, जब इनमें से कोई एक हमारा क्या होगा, सही होगा, मतलब कि इनमें से कोई ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, तब एंगल, सॉरी। तो हमें यहाँ पर एंगल बताना है, क्वेश्चन ने ये बता दिया कि ये ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन एफ डी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जब कभी भी हमारा ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, उस केस में जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में क्या हो जाती है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो ए बी है, ए बी हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाली साइड, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ई ये होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी। अगर उसी तरीके से बात करें बी सी की, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी डी ई। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के। अब देखो ये क्या है, इसमें कहीं कहीं दिख रहा है, देखो एंगल बी बराबर है एंगल डी के, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन हो गया, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट में। तो यहाँ जो क्वेश्चन एट है ये कह रहा है, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस वन और माइनस फोर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, मान लो एक हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, चलो फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, चलो इसको ऐसे बना दिया, ये मान लो हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब ये लाइन है कौन सी, वाई एक्सिस वाली, ठीक है। अब वाई एक्सिस में हमारी जो लाइन बन रही है वो रेशियो में, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, एक कोऑर्डिनेट हमारा ये है, यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है, इसको मान लिया हमने फाइव माइनस, ओके फाइव कॉमा माइनस सिक्स है, और ये हो गई हमारे पास वन कॉमा माइनस फोर, ये हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस में एक पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट इस वाले को और इस वाले को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताओ। तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा, जीरो कॉमा वाई, इस पर बन रहा है। देखो यहाँ पर वाई हमें फाइंड नहीं करना, हमको ये फाइंड करके बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको बस इतना ही इसमें बता देना है। तो ये बात समझ में आ गई, ये देखो हमारा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये बस हमको यहाँ पर बता देना। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, हमें मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास m1 अपॉन m2 होता है, ठीक है, सॉरी ओके यहाँ पहले लिख देते हैं m1 अपॉन m2 नहीं होगा, ये होगा m1
ये होगा इंटू एक्स टू होता है प्लस एम टू होगा यहाँ पर इंटू एक्स वन होगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एम वन हो जाएगा प्लस यहाँ पर होगा हमारे पास एम टू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स। अब यहाँ पर m1 क्या है, m1 हमें पता नहीं, m2 क्या है पता नहीं, तो इसको m1 अपॉन m2 ही लिखो। अब यहाँ पर क्या x2 क्या है, है ना, x2 की बात करें तो x2 हो जाएगा हमारे पास ओके 1 हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, 1 हमारे पास है, सॉरी ये माइनस 1 है, तो हमारे पास जो x2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस यहाँ लिखा हमने m2 और यहाँ पर है हमारे पास x1। अब यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर m1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2 हो गया, व्हाट इट, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो x हमारे पास क्या है, जीरो है, है ना, x क्या है, जीरो है, ये जीरो है हमारे पास, जीरो कर दिया। y हमें फाइंड नहीं करना है तो उससे कोई मतलब नहीं रखना, तो ऐसी जगह पे हमने जीरो रखा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, हमारे पास क्या बचेगा m1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, m1 आ जाएगा प्लस और इसमें करेंगे तो 5 यहाँ पर आ गया हमारे पास m2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, यहाँ लिख दिया m1 इक्वल्स टू 5, ये हो गया हमारे पास m2। अब यहाँ पर आ जाएगा m1 इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया m2 इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 अपॉन 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें रेशियो जो मिला है वो 5 रेशियो यहाँ पर मिल गया 1, और यही हो गया इसका हमारा सोल्यूशन, ठीक है। देखो कितना सिंपल रहा ना, तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि हमारे पास भैया एक लाइन है और उसके दो कोऑर्डिनेट हैं और उस कोऑर्डिनेट में बीच में एक वाई एक्सिस में पॉइंट बन रहा और वो पॉइंट इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है, तो 5:1 में कर रहा है, ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या कह रहा भाई साहब, ये कह रहा है इन द फिगर, अब ये देखो फिगर दिख रहा है, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल दिस इक्वल्स टू 50 देन दिस इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है जीरो, ओ सॉरी ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल हमें सिर्फ गिवन है और ये हमको फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे समझो, बहुत सिंपल है, यहाँ पर ध्यान से देखो इस फिगर को, देखो ये क्या है हमारे पास, ये टेंजेंट है, क्या है ये हमारी टेंजेंट, और ये क्या है हमारी, ये भी एक क्या है टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन दिख रही है ये क्या दिख रही है, ये रेडियस है जो सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्कल जो रेडियस है वो टेंजेंट को टच करती है, तो कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट को टच करी तो उस जगह पर बनता है 90 डिग्री का एंगल। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला, तो ध्यान रखो अभी यहाँ पर ना, अगर हम लोग बात करें पी बी की और पी ए की, ठीक है, तो ये दोनों हमारी टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपस में जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती हैं तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल होगी, ठीक है। और अगर हम लोग बोले पी ए बी, ये क्या है, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर बना दें, ये देखो ये हमारे पास पी ए बी एक ट्रायंगल है, बना दिया यहाँ लिखा पी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या रहा, इसके अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। अब हमें ये बात पता है कि जब कभी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब इतना ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का और हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 90 वाले एंगल में अगर ये वाला एंगल हम लोग कैसे भी निकाल के माइनस कर दे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा इजीली। अब ये करेंगे कैसे, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो हमारे पास एंगल ए है, है ना, इसको लिया हमने, ये वाले को, इस ट्रायंगल को लिया हमने, मान लिया एंगल ए हमारा एक्स है, तो भाई साहब ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, कैसे होगा, देखो ये दोनों साइड हमारी इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर ये पता है, क्या पता है कि जब कभी भी हमारा ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये वाला एंगल हमें पता है जो कि है 50 और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 180 आ गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2x इक्वल्स टू 180 माइनस कर दिया हमने 50 तो यहाँ पर कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2x है, 2 इधर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 65 हो गया, ठीक है। क्या गया, एक्स हमको मिल गया है 65, मतलब कि ये वाला एंगल हमको क्या मिल गया, 65 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में माइनस करा देंगे ये वाला एंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें कि हमें क्या करना है कि हमारे पास हमें चाहिए एंगल कौन सा, ओ ए बी, ये वाला एंगल चाहिए चुटकू वाला, ठीक है। अब इस एंगल को माइनस कराएंगे, मतलब इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग ये बड़ा वाला एंगल लेंगे, पी ए बी वाला। लिए हमने पी ए बी, इस वाले एंगल में माइनस कर देंगे कौन सा एंगल, हम लोग माइनस करेंगे ये वाला एंगल। ओके एक सेकंड, ओके पी ए बी ये वाला है ना, पी ए बी ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया हमारे पास 65। तो ये वाला नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पी ए ओ, पी ए ओ इस एंगल में माइनस कराएंगे एंगल पी ए, यहाँ पर कर दिया हमने बी वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए ओ, हमने बताया कितना है 90 डिग्री है, 90 कर दिया, और माइनस यहाँ पर पी ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 65, तो यहाँ पर कर दिया 65। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 570 80 90, मतलब 25। तो एंगल ओ ए बी हमें कितना मिल गया, 25 हो गया। अब 25 कहाँ पर, ये है। तो ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके भाई साहब ज़रूर हमसे पूछ लेना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 1/2, अगर साइन ए इक्वल्स टू 1/2 है देन द वैल्यू ऑफ sec ए इज, देखो साइन ए इक्वल टू 1/2। अब याद करो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो, ये याद करो साइन में कब 1/2 आता है, मतलब 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री किस डिग्री में आता है। तो आपको याद आएगा जब साइन 30 होता है, क्या होता है साइन 30, तब इसकी वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 30 जो है वो क्या है, ए है, और यहाँ पर भी ए है, तो इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब ये 30 है तो sec भी हमारा क्या होगा, 30 होगा। अब जब sec हमारा 30 होगा तो भाई जब sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/√3, और ये हो गया आंसर 2/√3 हमारा ये है। तो 10 का हो गया फर्स्ट वाला, है ना, कितना सिंपल, बहुत ईजी है ये। अब आ जाओ इसी के 11 वाले में, तो यहाँ पर कह रहा है √3 cos² a + √3 sin² a, ये हमको फाइंड करना है। चलो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है √3, यहाँ कर दिया हमने, ओके ओके ये हो गया हमारे पास क्या था, cos² a, और यहाँ पर हो गया प्लस √3, ये हो गया हमारे पास sin² a, ठीक है। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसमें से √3 हमें कॉमन दिख रहा है, लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखा, हमें दिखा cos² a + sin² a। अब cos² a + sin² मतलब cos² θ + sin² θ क्या होता है, 1 होता है, है ना, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 × 1, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, √3 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हमें मिल गया, 11 वाले का √3 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, बहुत सिंपल है, देखो कितनी ईजिली हम लोग कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 and so on cos 90 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 1 की क्या होगी, cos 2 की। तो एक तरीके से हम तुमको एक अलग चीज़ बताते हैं, यहाँ पर देखो अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 0, यहाँ फिर से 10 कर दिया, चलो यहाँ कर दिया हमने 0, यहाँ कर दिया हमने 2000, और यहाँ कर दिया हमने 5000। तो भाई साहब यहाँ पर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा इसको सॉल्व करके बताओ, क्योंकि भैया यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर ही 0 आएगा, क्योंकि 0 × कुछ भी 0 होता है, है ना। तो उसी तरीके से अब इसको देख लो, यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होगी, हमको जल्दी बताओ, cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है ना, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 12 का जो आंसर आ गया वो हो गया हमारे पास 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 वाले में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। क्वेश्चन है ये क्या है कि जो पेरीमीटर है ना किसका, सर्कल का, वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। ये पेरीमीटर सर्कल और पेरीमीटर स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, तो भैया ये बताओ द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब एरिया का रेशियो क्या होगा इन दोनों का, ये बताना है, बहुत सिंपल है। चलो पहले तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13 है। ओके, तो यहाँ पर सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ हमने कर दिया सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया 2πr हो गया, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर है, अब क्वेश्चन ने कहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब एरिया का रेशियो हमें बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया हमारे पास, ओके ओके ओके, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर होगा, जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द इक्वल टू दैट स्क्वायर, मतलब जो पैरीमीटर है सर्कल का वो बराबर है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब उनके एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो क्या करना है, हमें एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पैरीमीटर, ओके, तो यहाँ लिखा हमने पैरीमीटर है ना, तो पैरीमीटर किसका, पैरीमीटर ऑफ सर्कल, देखो पहले पैरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू किसके है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr है, ठीक है, और इसका है 4a है, ओके। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2πr इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू कर दिया हमने a, तो ये हो गया हमारे पास पाई आर बाई 2, यहाँ कर दिया हमने पाई आर बाई 2 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर a, क्लियर हो गया। तो a हमें क्या मिला है, पाई आर स्क्वायर मिल रखा है अभी तो फिलहाल। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, एरिया है ना, एरिया का रेशियो पूछा, तो एरिया किसका, एरिया, ओके, एरिया ऑफ किसका भैया, सर्कल, और सर एरिया ऑफ ऑफ किसका पूछा गया है यहाँ पर, स्क्वायर, इनका रेशियो पूछा गया, तो इसका मतलब इनको क्या करेंगे, डिवाइड में रखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हमने पाई, यहाँ कर दिया आर, ओके, स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, पाई आर बाई 2 निकाली हुई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई आर बाई 2 कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, अब देखो ये 2 है, ओके, ये अगर हम लोग ऊपर यहाँ भेज दें तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारा ये कैंसिल और इससे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ बचा हमारे पास पाई का, पाई बचा है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22π, यहाँ पर हो जाएगी 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4, ये ऊपर चला जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, तो 2 से करेंगे 11, और यहाँ पर आ गया 2, 7 2 से क्या हो गया 14π, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, तो इसका देखो 14π11 रेशियो आएगा, ठीक है, क्या आएगा रेशियो, 14π11, तो 14π11 देखो कहीं दिख रहा है, 14π11 दिख रहा है यहाँ पर बी वाले में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, ये कह रहा है इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, मतलब दो सर्कल का जो रेडियाई दिया गया है वो ये हमें रेशियो में दे दिया गया है, देन देयर एरिया आर इन द रेशियो, तो उनके एरिया क्या होगा वो भी हमें किसमें बताना है, रेशियो में बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो हमें ना हमें क्या निकालना है, एरिया है ना, एरिया ऑफ रेशियो, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया किसका, एरिया का, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, अगर रेडियस R1 मान लेते हैं पहले वाले रेशियो, उसको रेडियस पहले वाले सर्कल को, तो R2 मान लेते हैं दूसरे वाले सर्कल को, तो यहाँ पर R1 अपन R2 हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, एरिया, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ किसका, ओके, एरिया ऑफ सर्कल ही है, ठीक है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास रेशियो में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा A1/A2, मतलब ये एरिया है पहले वाले सर्कल की, और ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा दूसरे वाले सर्कल की। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसको 1 बोल देते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको भी हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो
तो ये पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर वन अपॉन आर टू है ना, क्या था हमारे पास, फोर बाई थ्री था, यही था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फोर बाई थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ये हो जाएगा 16:9 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 16:9। तो ये क्या मिल गया हमें, 16:9 मिल गया। अब चेक करते हैं क्या 16:9 है यहाँ पर 14 में, ये है 16:9। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, ठीक है, क्या कहना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया मान लो फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 3π r² टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ना सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालेंगे, तो यहाँ पर 3π r² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3π की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और r हमें पता है यहाँ पर 7 की वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7, ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3×2=6 × यहाँ पर 7 7 7 6 42 4 7 6 42 4 46, तो यहाँ पर 462 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो आंसर चेक करो है क्या कहीं 4 4 6 2 4 6 2 4 6 2, तो कहीं दिख भी नहीं रहा 462, तो यहाँ पर आ नहीं रहा हमारा आंसर, तो यही होना चाहिए 462 है ना, 447 है, तो क्या गलत किया है यहाँ पर कुछ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ठीक है 462 ही मेरा आंसर आ रहा, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पर मालूम क्या मिस्टेक की, यहाँ पर मिस्टेक ये हमने कर दी कि देखो यहाँ पर पाई में दिया हुआ है ना, और हमने ऐसे डायरेक्ट निकाल दिया, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, और सब तो ठीक है। चलो, तो पाई की बात करें तो इसको हटा के डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, पाई इंटू कर दिया 7 का स्क्वायर, ये कर दिया 7 7 49 49 × 3 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 147, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई भी तो है, तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, तो 147 का ही है, हाँ है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का डी का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो पाई नहीं हटाना था, अगर पाई हटा दोगे मतलब पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे ये आएगा, वो तो मैच करेगा नहीं, तो ये तो नहीं करना है हमें, हमें पाई देखना है, ठीक है। और हमेशा क्या करो कि जैसे हमने अभी गलती की, हमने इसके ऑप्शन को नहीं देखा, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, तो हमेशा देखो हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है, पाई में दे रहा है, तो क्यों फालतू में सॉल्व करना, तो वही काम करना है हमें, ठीक है। तो 15 हो गया, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 16 वाला, है ना, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास की हमें अपर लिमिट यहाँ पर बतानी है, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी मॉडल क्लास की। भाई देखो मॉडल क्लास कहाँ है, फ्रिक्वेंसी में देखो, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कहाँ है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हमारी ये 20 है। अब इस 20 की क्लास में आ जाओ, ये है हमारे पास 20 की क्लास। अब इसमें जो आगे वाली होती है ये लोअर लिमिट होती है, ये पहने वाला लोअर नहीं है, ये लोअर वाला है, लोअर लिमिट है, और ये जो है ना हमारे पास ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो इसने क्या पूछा हुआ है, अपर लिमिट पूछी हुई है मॉडल क्लास की, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास 20, तो ये सी वाला हमारा आंसर आ गया, देखो कितना सिंपल है। अब इसी तरह आ जाओ 17 वाले में, तो 17 में क्या कह रहा है, एट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज, y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, और हमें यहाँ पर मीन दे दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखो इसे जरा, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा मीन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, चलो तो पहले हम जल्दी से क्लास बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोल दिया ये हमारे पास x1 है, और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये, और इसी तरह बोल दिया ये हमारे पास f1 है, और यहाँ पर हो गया फ्रिक्वेंसी 4, ओके 5, यहाँ पर y 1 और 2, ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, मीन निकालना है, तो fi × xi भी चाहिए होगा, तो fi × xi करेंगे तो हमें मिलेगा 4 4, ओके 10, 3y, ओके 4 5 × 10, ओके ये मिला। अब इसका सम कर देंगे तो 4 14 14 18 और 10 28, तो 28 प्लस मिल जाएगा हमें 3y मिल गया। इसका सम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 9 10 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12 प्लस y मिल गया, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा fy और यहाँ पर xi, यहाँ पर होगा fy और यहाँ पर fy × xi, हमारे पास क्या है
28 प्लस 3 वाई, ओके, और यहाँ पर है 12 प्लस यहाँ पर है हमारे पास y है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मीन हमें गिवन है क्या है 2.6 क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 28 प्लस 3 वाई आ गया, डिवाइड में कर देंगे यहाँ पर 12 प्लस हमने कर दिया y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 2.6, यहाँ पर आ गया 12 प्लस y इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 28 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 3y कर दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा मेरे हिसाब से 31.2, ओके 3 2 6, ठीक है, और यहाँ पर होगा 2.6y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 28 प्लस 3y हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, ओके 31.2 माइनस कर दिया 28 से, और यहाँ पर आ गया 3y माइनस कर दिया हमने 2.6y से, ये आ गया। अब इन दोनों को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें कितना मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर है 31.4, तो 3.2 मिलेगा, जाहिर सी बात है 1, ओके 3, ओके 2 और 3, 3.2, और यहाँ पर मिलेगा 0.4y, और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 / 0.4 इक्वल्स टू वाई, पॉइंट से 0.4 से करो, 4 8 32, वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 8, तो वाई हमें क्या मिला है 8 मिला है, तो ऑप्शन है चेक करो वाई 8 8, हाँ 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 बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया हमारे पास बी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, ये क्या कह रहा है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो फिर से देखो क्या कह रहा है कि एक 52 हमारे पास कार्ड है ना, ठीक है, उस कार्ड से एक क्या रेंडमली क्या निकाला जा रहा है, कार्ड निकाला जा रहा है, तो पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये बताओ सबसे टोटल कार्ड कितने हैं 52, और फेस कार्ड कितने होते हैं पूरे कार्ड में, कितने होते हैं फेस कार्ड, ये हमको जल्दी से बताओ। देखो टोटल कार्ड जो फेस वाले होते हैं पूरी गड्डी में, पूरी कार्ड में, वो होते हैं 12, बट यहाँ पर बोल दिया है कि भैया रेड फेस कार्ड की बात की, प्रोबेबिलिटी बताओ रेड फेस कार्ड की, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास होते हैं, ओके 2 3 3 6 हो जाएंगे, तो टोटल रेड कार्ड हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा हमारे पास 52 हो जाएगा, क्योंकि 52 में कार्ड में से ही तो निकाले जा रहे हैं रेड, है ना, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो 52 हो जाएगा ये टोटल आउटकम, ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसे सॉल्व करो, 2 से करोगे 3, 2 2 4 2 6 12, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3/26 है क्या कहीं, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ये हमारा सोल्यूशन। अब बच रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन हमारे पास बच रहे हैं 20, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तब मिलेंगे जब आप हमसे कमेंट करके कहेंगे कि भैया आपको ये ज़रूरत है इन क्वेश्चन की, अगर नहीं होगी तो आप नहीं करना, अगर है तो आप कमेंट करके ज़रूर कह देना, हम तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19-20 हो गया, अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं या फिर बोलो जो बाकी के सेक्शन हैं वो हम लोग निपटा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके सेक्शन, ओके नहीं नहीं अभी तो और भी क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं नहीं यहाँ पर सेक्शन बी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब सेक्शन बी को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सेक्शन सी भी कर देंगे, डी को भी देख लेंगे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर हमको बता दें।